शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत सुंदर लग रही है, पर कुछ कमी लग रही है। अब कमी क्या? अरे तुम सीधी खड़े रहो, मैं देखता हूं। तुम नहीं जानती हो मैं तुम्हें ऐसे देखने के लिए कितना बेकरार हूं। मेरी दुल्हन, बस अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, शादी कर ले। तू पागल हो गया क्या? ये क्या कर रहा है तू? तू चल अभी के अभी मेरे साथ, चल चल। श्रद्धा बेटा, अब अपने ही घर में अपनी मां से भी अपने आंसू छुपाओगी तो? श्रद्धा बेटा, क्या हम इतने पराए हो गए कि तुम हमें अपने दिल की बात भी नहीं बताओगी? हो श्रद्धा बेटा, हमें एक बार तनुजा जी से बात करने दो, हम उन्हें समझाएंगे कि वो कैसे अपनी बेटी की खुशी के लिए हमारी बच्ची को इस तरह बुला सकती। हमें बस एक बार बात करने दो बेटा। नहीं मम्मी, मम्मी जब अभय को ही मेरा चेहरा बर्दाश्त नहीं होता, उनके मन में मेरे लिए अब कोई जगह बची ही नहीं है, तो इसमें मम्मी जी क्या करेंगे? का प्यार अब रोशनी है, और तुम्हारा प्यार, उसका क्या? उसे सब भूल गए हैं क्या? प्यार में कोई शर्त नहीं होती है मम्मी, चाहे वो प्यार आपके साथ हो या ना हो। श्रद्धा बेटा, माता रानी तुम्हारे इस निस्वार्थ प्यार का फल तुम्हें जरूर देंगे बेटा। भले ही अभी तुम अभय की यादों में नहीं हो, पर एक दिन उन्हें इस चीज का एहसास जरूर होगा कि उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम। तू हमेशा बेचर में रहेगा ना अभय। किया क्या मैंने जो तू मुझे धक्के मार रहा है? किया क्या है? तूने श्रद्धा को इस घर से बाहर निकलवाया। श्रद्धा को भाई इतना सेंटी क्या हो रहा है? वो सिर्फ एक किराएदार थी, कभी ना कभी तो उसे जाना ही था ना। वो तुझे उसकी इतनी फिक्र हो रही है ना, तो अपनी साली को अपने घर रख लेता ना। अबे बात सिर्फ वही नहीं है, तूने तूने दिल दुखाया उसका। वो अच्छी लड़की है यार, और वो मैंने कहा वो गलत लड़की है। नहीं ना, फालतू में भड़क रहा है मुझ पे,
चल अब जाने दे, रोशनी मेरा इंतजार कर रही है। अभय तू समझता क्यों नहीं है? तू समझाएगा तो समझूंगा ना मैं। देख अभय, तुझे श्रद्धा से दिक्कत क्या है? उससे बेहतर जीवन साथी तुझे नहीं मिल सकती। जीवन साथी वो भी श्रद्धा? भाई पागल आगल हो गया क्या? कुछ भूख कर आया क्या? मैं जो भी कह रहा हूं तेरे भले के लिए कह रहा हूं। और वो रोशनी क्या है? श्रद्धा के सामने वो कुछ भी नहीं है यार। पहली बात, मैं रोशनी से प्यार करता हूँ। और दूसरी बात, अगर मैं उससे प्यार नहीं भी करता होता तो श्रद्धा को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मुझे मत समझा कि क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए। बर्दाश्त नहीं कर सकता। अबे श्रद्धा ने न जाने कितनी बार तेरी जान बचाई है। अपनी जान पे खेल कर पूरी दुनिया से लड़ गई है वो तेरे लिए, और तू उससे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे जो कुछ भी किया ना अपने मन से किया है, मैंने नहीं कहा था उसे, और मैं शुक्रगुजार हूं उसका। कभी उसे जरूरत पड़ी तो मैं भी उसकी मदद करूंगा, और मैं शादी सिर्फ रोशनी से करूंगा। कौन आ सकता है? आपने दवाई तो नहीं ली होगी अभी तक? पता था मुझे, जब तक आपको दवाई अपने हाथ से नहीं दे दूंगा आप मानेंगे नहीं। नहीं, मैं दवाई सिर्फ रोशनी के हाथ से लेता हूं। तुम जाओ यहां से। मैंने बोला ना यहां से जाओ। अभय, पता नहीं क्या चल रहा है मेरे साथ। पहले श्रद्धा के जाने पे पूरा परिवार मातम मना रहा था, और फिर भाई वो तो ऐसे भड़का मुझ पे जैसे पता नहीं मैंने क्या पाप कर दिया हो। और अब ये श्रद्धा मुझे हर जगह दिखाई दे रही है, जैसे मेरे दिलो दिमाग में बस हर वक्त घूमती रहती है। इसे तो मैं पागल हो जाऊंगा। ये किराएदार न जाने के बाद भूत बनकर चिपक गई है मुझसे। जानता हूं, बस निकल रहा हूं। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।